वार्षिक निरीक्षण किया गया, उस दौरान उन्हें ठीक ठाक व्यवस्थाएं भी मिली। वाराणसी परिक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक का गाजीपुर में वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन के विभिन्न इकाइयों और रजिस्टरों की रखरखाव, सीसीटीएनएस, मेज, बैरक कंट्रोल रूम, शस्त्रागार आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान क्राइम मीटिंग ली गई और आगामी आने वाली होली और पंचायती चुनावों को लेकर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने को लेकर निर्देश दिए गए और कहा कि पूरे प्रदेश समेत गाजीपुर में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और लोगों को चिन्हित किया गया है। प्रमोद कुमार, गाजीपुर, समाचार 24। मतलब बहुत सिर्फ इस एरिया में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी कार्रवाई की है और आज मेरे द्वारा जब क्राइम मीटिंग की गई, हमने और भी लोगों को चिन्हित किया है, तो आने वाले समय में और इन कार्रवाई को और बढ़ाया जाएगा। माफिया के विरुद्ध जो गाजीपुर के अंदर कार्रवाई हुई बहुत अच्छी हुई है और भी आगे इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य रूप से जो हमारा अभी प्राइम कंसर्न है वो आने वाले प्रधानी के चुनाव हैं। मेरे द्वारा उसके रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें पुलिस द्वारा उनका भ्रमण किया गया है, लेकिन अभी प्रविष्टियां अपूर्ण हैं। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि इन प्रविष्टियों को तत्काल पूर्ण किया जाए और गांव में ऐसे लोग जो चुनाव के दौरान समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, इन लोगों को चिन्हित किया जाए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त मैंने चौकीदारों से भी बात की, जो थाने के चौकीदार हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया और उनको निर्देशित किया कि गांव के अंदर कोई भी गतिविधि हो रही है तो तत्काल अपने पीठ के पुलिसकर्मी या थानाध्यक्ष अथवा किसी भी लेवल पर बताएं, जिससे कि हम इस आने वाले चुनाव को सकुशल संपन्न करा सकें।